Welcome students, in our today's lecture we will discuss about Alzheimer's disease. तो सबसे पहले देखेंगे कि Alzheimer's disease होती क्या है. एक progressive neurodegenerative disease है जिसमें कि cognitive ability खत्म हो जाती है, memory का loss होने लगता है, ठीक है, और आगे चल के पूरी तरह से dementia में convert हो जाता है. फिर क्या है, the prevalence of disease rises with age. उम्र बढ़ने के साथ इस बीमारी का खतरा और बढ़ता रहता है. और फिर यहाँ लिखा हुआ है अल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया. अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया का सबसे कॉमन काज है. डिमेंशिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है. अब हम लोग अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द हिप्पोकैम्पस एंड फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के हिप्पोकैम्पस रीजन में और फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होने लगता है. और क्या होता है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ एरफुल प्रोटीन नोन एज बीटा एमाइलॉइड. ब्रेन में ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स एरफुल प्रोटीन बनने लगते हैं जिन्हें हम लोग बीटा एमाइलॉइड कहते हैं, जो कि एक अमॉर्फस प्रोटीन होती है और वो डिपॉजिट होने लगती है. और इंट्रा न्यूरोनल न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स, बीटा एमाइलॉइड का डिपोजिशन होने लगता है और इंट्रा न्यूरोनल न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स बनने लगते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स क्या होते हैं. न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स होते हैं, द न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल्स आर फिलामेंट्स ऑफ फास्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ अ माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन टाउ. एक प्रोटीन होती है टाउ जिसका फास्फोराइलेटेड फॉर्म होता है न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल. हम अगर बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि एक प्रोटीन होती है एपीपी जिसे बोलते हैं एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन. एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन क्या करता है, बीटा एमाइलॉइड को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है. और दो एंजाइम होते हैं अल्फा सीक्रेटेज और गामा सीक्रेटेज. ये एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन में डिफरेंट साइड्स पे कट लगाते हैं जिससे बीटा एमाइलॉइड के फ्रेगमेंट्स बनते हैं. अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, इनको बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो भी बीटा एमाइलॉइड का डिपोजिशन, बीटा एमाइलॉइड का फॉर्मेशन बहुत तेज होने लगता है और बीटा एमाइलॉइड का डिपोजिशन की जो प्रोसेस है बहुत तेज बढ़ जाती है. तो एपीपी में म्यूटेशन, एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन में म्यूटेशन और अल्फा गामा सीक्रेटेज एंजाइम में म्यूटेशन भी जिम्मेदार होता है ज्यादा बीटा एमाइलॉइड के बनने के लिए. अच्छा, यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेशन की भी थ्योरी लगती है. फ्री रेडिकल जनरेशन ज्यादा होने से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है जिस वजह से कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होता है. तो फ्री रेडिकल जनरेशन, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फ्री रेडिकल जनरेशन एनहांस होने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है और सेल को नुकसान पहुंचता है. तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स भी एक सेल है तो उन्हें भी नुकसान पहुंचता है और जिससे एसिटाइलकोलाइन की सिंथेसिस रुक जाती है, ठीक है. तो और उसके बाद अगर हम लोग जो है तो हमें इसमें क्या है कि मेनली हम जो है इसमें दो बातें हैं कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस और बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन. दो चीजें हमें याद रखनी है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होता है और बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगता है. और अगर हम ड्रग्स की बात करें तो जो मेन जो ड्रग अभी तक जो थोड़ा बहुत काम करती है अल्जाइमर डिजीज में वो यही है कि हमें जो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स के लॉस होने से क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन कम हो जाता है. और हम जानते हैं कि एसिटाइलकोलाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी, तो एसिटाइलकोलाइन को हमें बढ़ाना है. तो हम जो दवाइयां कुछ हैं तो उसमें जो कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स हैं ये ब्रेन में एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज को रोकते हैं. एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज क्या है, एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज एक एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलाइन के ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार है. तो हम लोग एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज को ब्रेन में जब रोकेंगे तो एसिटाइलकोलाइन का ब्रेकडाउन नहीं होगा और एसिटाइलकोलाइन बचा रहेगा और हमें एसिटाइलकोलाइन को बचाना ही है इसमें. और भी कुछ मेडिसिन हैं जैसे ग्लूटामेट, एंटागोनिस्ट, इन सबका रोल अभी एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं है.
एक्साइटोटॉक्सिटी को कम करता है, बट जो है इसका रोल अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये हेल्पफुल है। और कुछ ड्रग्स हैं जैसे पैरासीटाम वगैरह, ये लोकल ब्लड फ्लो को बढ़ाती है ब्रेन में और सर्कुलेशन को बढ़ाती है, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाती है, लेकिन इसका भी कोई अभी क्लियर रोल नहीं है। तो जो मेन हमारी जो कैटेगरी है वो यही है कि हमें उन ड्रग्स से हमें जो भी बेनिफिट मिलता है वही ड्रग्स से मिलता है जो कि एसिटाइलकोलाइन को रोकती हैं ब्रेन में। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो अल्जाइमर डिजीज है वो एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें कि एज बढ़ने के साथ बीमारी का खतरा बढ़ता रहता है, बीटा एमाइलाइड का डिपोजिशन और बढ़ता रहता है। ये डिमेंशिया का सबसे कॉमन रीजन है। और इसके अगर हम लोग पैथोजेनेसिस की बात करें तो कोलिनेटिव न्यूरॉन्स का लॉस होने लगता है और ब्रेन में कुछ ऐसे एररफुल प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं जिन्हें हम लोग बीटा एमाइलाइड कहते हैं। जब पोस्टमार्टम किया जाता है अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट का तो वहाँ पे बीटा एमाइलाइड एमाइलाइड का डिपोजिशन दिखाई देता है और टाउ प्रोटीन को का जो है टाउ प्रोटीन का जो फास्फोराइलेटेड फॉर्म होता है जिसको हम लोग न्यूरोफाइब्रिलरी टेंजल कहते हैं, ये भी डिपॉजिट होने लगता है, इंट्रा न्यूरोनल जो है डिपॉजिट होने लगता है। और इसमें दो चीज़ें और मैंने बताई कि एपीपी होता है एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन और दो एंजाइम होते हैं, इनमें म्यूटेशन से भी बीटा एमाइलाइड का डिपोजिशन ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही अल्जाइमर डिजीज में। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे मुझे व्हाट्सएप करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।